नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। भारत और इंडिया को लेकर जारी विवाद के बीच भारत सरकार ने G20 के कार्ड में बड़ा बदलाव किया है। G20 के भारतीय डेलीगेट्स के कार्ड पर भारत ऑफिशियल्स लिखा गया है। सनातन धर्म पर बयान देने के लिए उत्तर प्रदेश के रामपुर में उदयनिधि स्टालिन और प्रियंका खड़गे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक वकील की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया है। ब्राजील में साइक्लोन का कहर देखने को मिल रहा है। कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात है। 21 लोगों की मौत इस हादसे में हो चुकी है। भारत के राष्ट्रपति के नाम पर राष्ट्रपति भवन में भेजे गए G20 शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज के निमंत्रण पर अभिनेता जैकी श्रॉफ ने कहा है कि अगर भारत को भारत कहा जा रहा है तो यह बुरी बात नहीं है। पिछले 6 से 8 महीनों में मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने 2 बार कोंकण का दौरा किया। रत्नागिरी में एक सार्वजनिक बैठक भी आयोजित की गई। कुछ संगठनात्मक परिवर्तन भी इस दौरान किए गए। शिवसेना सांसद संजय राउत ने मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र की सरकार पर हमला बोला है। राउत ने कहा, सेना प्रमुख उद्धव ठाकरे उन मराठा समुदाय के सदस्यों के प्रति ठोस समर्थन व्यक्त करने के लिए जालना गए थे, जिन पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया था, लेकिन महाराष्ट्र के 1 पूल 2 हाफ जालना से क्यों कतरा रहे हैं। जिले के अंदर वाले सराती में चल रही भूख हड़ताल को राज्य भर से समर्थन मिल रहा है। ऐसे में मराठा समुदाय को आरक्षण देने की मांग को लेकर राज्य सरकार असमंजस में है। इस बीच सरकार इसका समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। जालना में भूख हड़ताल पर बैठे लोगों पर लाठियों से हमला किया गया। पुरुष, महिलाएं, बच्चे घायल हो गए। कई किसान और खेतिहर मजदूरों पर लाठियों से हमला किया गया। राजनेताओं द्वारा सत्ता का दुरुपयोग किया गया। एनसीपी नेता शरद पवार ने अपील की है कि हम उन सभी को 100% हराएंगे। G20 समिट की वजह से दिल्ली के स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। 4 दिन तक शहर में काफी हलचल रहने के आसार है, लेकिन समिट को देखते हुए दिल्ली के शिक्षा विभाग ने शिक्षकों से कहा है कि वो शहर से बाहर न जाए, क्योंकि उनकी जरूरत पड़ सकती है। परिणीति चोपड़ा और आप लीडर राघव चड्ढा जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। फैंस को इनकी शादी का बेसब्री से इंतजार है। परिणीति और राघव इसी महीने शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। ये थी आज की टॉप 10 खबरें। खबरों का सिलसिला एनबीसी न्यूज पर यूं ही लगातार चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ एनबीसी न्यूज पर। नमस्कार।